My dear friends, today I am taking a very important topic, rule of law, vidhi ka shasan. Sathiyo, vidhi ka shasan ek bahut important topic hai hamare examination point of view se, aur ye topic hai K6001 ke andar. Meaning, साथियों पहले मैं मीनिंग बताता हूं इसका. विधि के शासन का विचार बहुत प्राचीन है. मध्य युग में जैक्टन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि सभी शासक विधि द्वारा शासन करने के लिए बाध्य हैं. प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि का शासन ब्रिटिश सिद्धांत का मूलभूत सिद्धांत है. इसका प्रयोग वहां तीन भिन्न अर्थों में किया जाता है. साथियों, ये था इसका मीनिंग. और इसके मीनिंग में जैसे ये तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, मैं बारी बारी से तीनों अर्थ आपके सामने लेता हूं. नंबर एक, कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून भंग के दंडनीय नहीं है. ये पहला नियम क्या है? No man is punishable except for the breach of law. यानी कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून भंग के, यदि कोई व्यक्ति कानून भंग करता है तभी उसको दंडित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं. विधि शासन का सर्वप्रथम अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को किसी प्राधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से दंडित नहीं किया जा सकता. यह अधिकार केवल न्यायालय को ही है. इससे यह अर्थ निकलता है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून सर्वोपरि है. तो साथियों, पहला भाग क्या है इसका? नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ. यानी किसी भी व्यक्ति को यदि उसने कानून को भंग नहीं किया है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता. केवल कानून को भंग करने के बाद ही दंडित किया जा सकता है. और इसमें यह भी कहा, कानून सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है. यानी इसमें क्या है, कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से दंडित नहीं कर सकता. केवल न्यायालय को यह अधिकार है, न्यायालय ही उसको दंडित कर सकते हैं. ये है साथियों पहला. सेकंड, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है. नो मैन इज अबाउ द लॉ. प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि शासन का दूसरा अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति भले ही उसकी स्थिति और पद कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, अपने द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्यों के लिए साधारण न्यायालयों के अधीन है. साथियों, सेकंड क्या है? कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है. नो मैन इज अबाउ द लॉ. इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति कितना ही छोटा है या कितना ही बड़ा है, ये प्रोफेसर डाइसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति की स्थिति कैसी है, यानी चाहे वो मजदूर है चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी है, और मैं तो एक यहां पर ये कहना चाहूंगा, चाहे अंबानी है चाहे अडानी है या कोई मजदूर है, सभी कानून के अंदर आते हैं. कानून के अंदर ही रह करके सबको काम करना होता है, और यदि कोई गलती करता है तो कानून के अंदर ही उसको दंडित किया जाता है. और सभी न्यायालय, एक बात और बताना चाहूंगा यहां पर, सभी न्यायालय, छोटा न्यायालय या बड़ा न्यायालय, सभी के लिए है. ये नहीं कि बड़े व्यक्तियों के लिए बड़े न्यायालय और छोटे व्यक्तियों के लिए छोटे, या बड़े व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था और छोटे व्यक्तियों की अलग से व्यवस्था, बिल्कुल नहीं. सभी न्यायालय सभी के लिए, सभी कानून सभी के लिए, सभी को
कानून के अंदर रह करके काम करना होता है। कोई भी गलत काम करेगा तो कानून उसे दंडित करेगा और किसी न्यायालय में भी उसे जाकर के अपना जो भी पक्ष है वो रख सकता है या न्यायालय से सहायता ले सकता है, चाहे कितना ही छोटा व्यक्ति क्यों नहीं। थर्ड क्या है, संवैधानिक अधिकार न्यायिक निर्णयों के परिणाम है। ये क्या है साथियों? तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द ज्यूडिशियल डिसीजन, यानी क्या है? विधि शासन का तीसरा अर्थ यह है कि व्यक्तियों के अधिकार संविधान द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं, बल्कि संविधान में उन अधिकारों को शामिल किया गया है। और कैसे? जैसे जो समय समय पर व्यक्तियों के वादों के निर्णयों के फल स्वरूप न्यायालयों ने उन्हें प्रदान किए गए। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको बताई, यानी किस प्रकार से जो व्यक्ति न्यायालयों में गए और अपने केसेस के अगेंस्ट उनको जो भी किसी प्रकार से उनको निर्णय मिले, निर्णयों के आधार पर ये सभी अधिकार तय किए गए और ये संविधान के अंदर ऐड किए गए। अब साथियों एक बात मैं यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के अंदर विधि का शासन सेक्शन 14 के अंतर्गत आता है और सेक्शन 14 का कहना है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। और इस अनुच्छेद में दो पदावलियों का प्रयोग भी किया गया है। साथियों ये थी डेफिनेशन रूल ऑफ द लॉ, और ये रूल ऑफ द लॉ इंडिया के अंदर सेक्शन 14 के अंतर्गत यानी स्वीकृत किया गया है। और सेक्शन 14 के अंदर क्या है, दो पद हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सेकंड क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फर्स्ट क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सेकंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये सेक्शन 14 के दो पद हैं और इन दोनों पदों के आधार पर ये विधि का शासन आश्रित है और उसी के ऊपर पूरी तरह से यानी डिपेंड है। अब ये मैंने देखो रूल ऑफ लॉ को समझाने के लिए मैंने साथियों तीन भाग बनाए। एक तो ये जो आज अभी मैंने बताया, ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें क्या है, विधि के शासन की डेफिनेशन और विधि के शासन में जो ये तीन जो अर्थ हैं, इसके तीन भिन्न भिन्न अर्थ हैं, वो मैंने तीनों बताए। अब क्या है सेकंड पार्ट में मैं लूंगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 14 फॉर द रूल ऑफ लॉ। एंड इन द थर्ड पार्ट आई विल टेक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या है, ये भी सेक्शन 14 का एक सब सेक्शन है। तो साथियों रूल ऑफ लॉ के दो पद हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये मैं पार्ट थर्ड और सेकंड में मैं लूंगा। ये पार्ट फर्स्ट था, रूल ऑफ लॉ को अच्छी तरह से सीखने के लिए और जानने के लिए आप तीनों भाग देखें। ये 5-5, 7-7 मिनट के भाग हैं, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपका रूल ऑफ लॉ विधि का शासन एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये मेरा टॉपिक हिंदी में, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, यानी इंग्लिश में भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और ये हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ है। तो साथियों अब मैं सेकंड पार्ट लूंगा, कौन सा, इक्वलिटी बिफोर लॉ।
सो माय डियर फ्रेंड, इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू.